हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शोमैन्स टेक। दोस्तों, आज हम लोग आपको दिखाएंगे कैसे आप बहुत ही आसानी से अपने घर में वाटर हीटर बना पाइएगा। दोस्तों, वाटर हीटर मतलब छोटा इमर्शन हीटर जिससे आप कोई ग्लास में पानी गर्म कर सकते हैं। दोस्तों, आप ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करते हुए आपको पानी गर्म करने का ज़रूरत पड़ता है, तो आप देखिए इस प्रोसेस से आप किसी भी जगह किसी भी तरह से एक वाटर हीटर, छोटा वाटर हीटर, इमर्शन हीटर बना सकते हैं और उससे पानी को गर्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस इमर्शन हीटर के लिए, वाटर हीटर के लिए आपको चाहिए एक वुड ब्लॉक, ये ज़्यादा नहीं 1.5 इंच का है, और 2 ठो आपका ब्लेड, नॉर्मल यूज़ करने वाला ब्लेड, स्टेनलेस स्टील वाला, और 2 ठो पॉइंटेड हेड स्क्रू लगेगा, और 2 ठो छोटा वॉशर, और एक आपका कॉर्ड लगेगा। मैंने एसी कॉर्ड लिया है आसानी के लिए, आप कोई भी 2 तार ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तार के साथ एक होल्डर लगा सकते हैं या तो आप नॉर्मल वायर भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस वुड ब्लॉक जो है इसके ऊपर आप इसका थ्रेड बना लीजिए। आप इस वुड ब्लॉक के ऊपर इस पॉइंटेड हेड स्क्रू से, स्क्रू ड्राइवर की मदद से घुमाइए, तो इसमें आपका इसका थ्रेड बन जाएगा। ये आप बनाएगा एकदम ऊपर की तरफ, एकदम इस जगह पे, ठीक है। और दूसरी तरफ भी आपको इसी जगह बनाना है, क्योंकि ब्लेड लगाते वक्त अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको छेद ना करके, तो आपका हाथ कटने का डर रहता है। तो पहले हम इसमें थ्रेड बना लेते हैं। देखिए, ये थोड़ा घुमाने से धीरे धीरे चला जाएगा। वुड जितना पतला होगा उतना आपको आसानी होगा। ये चला जा रहा है, अब इसको ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे साइड से कर लेते हैं। ये काट ज़्यादा भारी नहीं है वुड ब्लॉक, तो इसलिए ये आसानी से भीतर चला जा रहा है। अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कोई भी पेड़ का डाल हो उसको यूज़ कर सकते हैं इस वुड ब्लॉक के जगह पे, या मैच स्टिक को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं। अब आप क्या कीजिएगा, एक वायर ले लीजिए। मैंने आसानी के लिए ये एसी कॉर्ड को लिया है, इसका दोनों छोर को खोल दीजिए। अब इसके बाद जो वॉशर है उसमें आप इसको लगा लीजिए। आप डायरेक्ट नाट में भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको स्क्रू टाइट करने के टाइम में थोड़ा दिक्कत आ सकता है। तो ये आपका परमानेंट हो जाएगा और इससे आपको आसानी भी होगा, ठीक है। और दूसरा वाला, देखिए दोनों वायर वॉशर में फिट हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, जो ब्लेड है इसको आप यहाँ पे रखिए, ये थोड़ा ही ऊपर वुड के ऊपर रहेगा और बाकी पोर्शन आपका नीचे रहेगा। तो एक वॉशर को यहाँ लगाइए, और इसके बाद स्क्रू को ऊपर लगा दीजिए। देखिए बहुत आसानी से अब हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले इसमें थ्रेड बना लिए हैं।
एक हो गया। अब इसको ऑपोजिट साइड से भी हम एक ही करेंगे, यहाँ हम इसको लगा लिए। उसके बाद वॉशर की मदद से हम इसको यहाँ लगा देंगे। देखिए दोस्तों, अब हम इस पॉइंटेड हेड स्क्रू को लगा देते हैं। ब्लेड को थोड़ा ऊपर की तरफ से पकड़ लीजिएगा, नहीं तो ब्लेड घूम जाएगा। अब ये पूरा टाइट हो गया। देखिए हमारा इमर्शन हीटर तैयार हो गया है। हम आपको दिखाएंगे कैसे आप इससे पानी गर्म कर सकते हैं। ये एकदम सेफ़ है। देखिए मैंने ऊट की मदद से बनाया है, लेकिन नीचे वाला जो पोर्शन है इसको कभी भी आप हाथ से टच मत कीजिएगा। मैंने इसका वायर को ऊपर से स्लाइड कर लिया है दोस्तों। अब इसको हम पानी में डालेंगे। और करंट के प्लग में दूसरी छोर को डालेंगे। देखिए हमने इसको पानी में डाल दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। दोस्तों आप देख सकते हो कि पानी गर्म होना शुरू हो गया है। एक मिनट टाइम भी आपका पूरा नहीं लगा, एक ग्लास पानी गर्म हो चुका है। अभी इसमें बबल्स आना चालू हो गया है। मैं आपको साइड से भी दिखाऊंगा कि इसमें कैसे पानी गर्म हो रहा है। दोस्तों आशा करेंगे आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बाहर भी आपको इससे बहुत मदद मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। लाल वाला जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके काला कर दीजिए, और लाइक बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, और वीडियो को जितना है मर्जी शेयर कीजिए।